आदाब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। ग्रेटर नोएडा में मस्जिद में घुस करके इमाम और नवाजियों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, इसे कल आप लोगों के सामने रखा है। तो ग्रेटर नोएडा पुलिस को अब इसमें एक बड़ी कामयाबी भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें तुरंत एक्शन में आई ग्रेटर नोएडा पुलिस ने जिन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और उनकी गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, उस माहौल पर अब रोक लगाने की कोशिश जो है ग्रेटर नोएडा पुलिस द्वारा की गई है। तो एक सराहनीय कदम भी ग्रेटर नोएडा पुलिस का देखा जा रहा है, जहां इसने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के ऊपर पूरी तरीके से लगाम लगाया और उनको उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने किस तरीके से कार्रवाई की है, मस्जिद में इमाम के और नमाजियों के ऊपर क्यों हमला हुआ, इन तमाम पहलुओं पर बात की जाएगी और बारीकी से हर एक रिपोर्ट को आप लोगों के सामने रखूंगा। क्योंकि कल जब से ही ये खबर रखी, तमाम लोगों के फोन कॉल, सोशल एक्टिविस्टों के कॉल, कई वकीलों के कॉल आना शुरू हो गए कि ये घटना आखिरकार क्यों घटी है, इसकी वजह क्या है। और जो वीडियो सामने आए हैं उस वीडियो को हमारे साथ साझा करें ताकि हम लोग इंसाफ दिलाने में कोई कामयाबी हासिल कर सके। तो तमाम लोग जो ग्रेटर नोएडा कि इस खबर को लेकर के काफ़ी चिंतित थे, उन लोगों की भी एक बड़ी जीत है। और तमाम लोग जो इस खबर पर बने हुए थे, उन लोगों की भी एक बड़ी जीत देखी जा रही है। आखिरकार क्या कुछ हुआ है कल इस खबर के बाद से, उसके बारे में भी आप लोगों को बता दूं कि नमाजियों पर जानलेवा हमला हुआ था, इमाम समेत कई नमाजियों को बुरी तरह घायल कर दिया गया था। देश की राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के दनकौर के रामपुर माजरा गांव में एक अज्ञात भीड़ ने मस्जिद में नमाज पढ़ रहे नमाजियों पर जानलेवा हमला कर दिया। हथियारबंद उग्र भीड़ द्वारा उस वक्त हमला किया गया जब रात को गांव के 20 से 25 लोग ईशा की नमाज अदा कर रहे थे। हमले में मस्जिद के इमाम नासिर मोहम्मद को भारी चोटें आई हैं, जिसका वीडियो भी हम लोगों ने आप लोगों के साथ साझा किया। इमाम नासिर मोहम्मद के अलावा भी कई अन्य लोगों को गहरी चोटें आई हैं। पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने दंगा करने, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने और धर्म स्थल को अपवित्र करने की धाराओं के मामले में इन 6 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि ये हमला एक ही गांव के 2 पक्षों के बीच हुए विवाद को लेकर हुआ। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार घायलों में एक रईसुद्दीन ने बताया कि मुस्लिम समुदाय की एक व्यक्ति की दूसरे समुदाय की एक महिला से किसी बात को लेकर के बहस हो गई थी, उसके बाद महिला ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर मुस्लिम इलाके में जाकर उन्हें देख लेने की धमकी भी दी थी। घायल व्यक्ति रईसुद्दीन का कहना है कि रात में उन लोगों ने प्लान बनाया और मस्जिद में आकर इमाम नासिर मोहम्मद और उनके रिश्तेदारों को मारकर घायल कर दिया। रईसुद्दीन ने बताया कि जिस वक्त जिस व्यक्ति ने महिला से बहस की थी उसका इमाम और मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके बावजूद भी जो है मस्जिद में घुस करके मारा पीटा गया, तोड़फोड़ की गई, जिसके चलते उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। एक और बड़ी वजह जो है सामने आ रही है, किस बात को लेकर के विवाद था, इसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। जो कि कुछ रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है, कोतवाली दनकौर क्षेत्र के रामपुर माजरा गांव में शनिवार शाम ज्वार की फसल बेचे जाने के बाद भी काटने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की महिला की पिटाई कर दी थी, जैसा कि रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। इससे नाराज दूसरे पक्ष के लोगों को आरोपियों को खोजते हुए धर्मस्थल यानी कि मस्जिद में पहुंच गए। यहां आरोपी युवक के न मिलने पर नाराज लोगों ने वहां पर मौजूद
इमाम के साथ बहस होने पर उनकी पिटाई कर दी। आरोप है कि उपद्रव कर रहे लोगों ने मस्जिद में तोड़फोड़ कर काफी नुकसान पहुंचाया था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कोतवाली दनकौर पुलिस के ने घायल धर्मगुरु यानी कि इमाम को ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसके बाद जो है मामला काफी गंभीर बन गया था। मस्जिद में घुस करके 20-25 लोगों द्वारा इमाम को पीटा जाना, नमाजियों को पीटा जाना, जो कि वही कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईशा की दूसरी रकात के दौरान जो है उनके ऊपर ये जानलेवा हमला होता है और जानलेवा हमले में इमाम घायल होते हैं और इमाम के घायल होने के बाद जो है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। कुछ लोगों को मामूली चोटें आती हैं और जब ये पूरा मामला जो है सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है, जिसके बारे में तमाम बातें कही जा रही थी, उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है इस हमले के बाद और तुरंत कार्रवाई करते हुए जो सांप्रदायिक माहौल दनकौर में फैलाने की कोशिश की जा रही थी उसे भी नाकाम किया जाता है और जो आरोपी मस्जिद के अंदर घुसे इमाम के साथ मारपीट की उनके ऊपर तमाम धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली गई है और जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है। ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो एक तस्वीर और निकल कर के सामने आई कि इलाके में अगर दनकौर की बात की जाए तो मात्र 8 या 13 परिवार हैं मुस्लिम परिवार के, जिसमें काफ़ी डर का माहौल है और उस डर के माहौल के साथ साथ वो किसी से भी बात नहीं करना चाह रहे हैं। कई बार हम लोगों ने भी संपर्क करने की कोशिश की, उन लोगों ने साफ तौर पर मना कर दिया कि कोई बात नहीं करेंगे, ये हमारा आपसी मामला है, हम अपने आपसी मामले को सुलझा लेंगे। और पुलिस ने हस्तक्षेप करके इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की है, दोनों पक्षों में बैठ करके आपसी सलाह मशवरे से दोनों तरफ से जो गलतियां हुई उसे स्वीकार कर लिया गया और जिसके वजह से ये हुआ उसको भी अब पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो जिस बात को लेकर के विवाद हुआ था फसल काटने को लेकर के, फसल काटने के दौरान विवाद हुआ और वो मस्जिद में घुस करके 20-25 लोगों ने इमाम और नमाजियों को मारा, मस्जिद में तोड़फोड़ की, जिसकी वजह से एक सांप्रदायिक माहौल बनता जिसे ग्रेटर नोएडा पुलिस ने पूरी तरीके से नाकाम साबित कर दिया है। और भी तमाम अपडेटों को लेकर के मैं आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।